हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने मैथ के इस ट्यूटोरियल में, मैथ के इस जर्नी में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे आज। और ये हम लोग एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी बुक के क्लास 10th का बुक है ये, जिसका हम लोग मैथ का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा कि ये क्या है, कैसे है। साथ ही साथ आपने अभी तक जो भी हमसे क्वेश्चंस किए उसका हमने सही सही जवाब आपको दिया है। कुछ भी जो कमेंट्स में आपने हमें बताया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो आइए इस सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सवाल आप देखेंगे तो ये जनरली दूसरे सवालों से बिल्कुल अलग है। दूसरा सवाल जो है वो लगभग 3 पैटर्न के रूप में लिखा रहता है, जैसे कि 7x² 8x + 9, 3 टर्म होते हैं उसके अंदर। और हमको इस तरह की आदत हो चुकी होती है द्विघात समीकरण की, लेकिन कुछ द्विघात समीकरण ऐसे भी होते हैं, और हमने पिछला वीडियो जो देखा उसमें भी द्विघात समीकरण का पैटर्न जो था वो बिल्कुल अलग था। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे शून्य के निकालेंगे, कैसे सत्यता जांचेंगे, आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। t² - 15 = 0। तो t² = 15, स्क्वायर जब जाएगा तो उधर रूट बन जाएगा, जिसका रिजल्ट आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। मींस एक जो होगा वो प्लस में होगा और दूसरा शून्यक जो होगा वो माइनस में होगा। इस तरह के दो शून्यक आपके पास निकल के आएंगे जो आप देख पा रहे हैं। अब सत्यता क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। ए बी सी के बारे में आपको फिर से बता देता हूं, ax² bx + c। इस पैटर्न में द्विघात समीकरण हमेशा लिखा होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसको a बोला जाता है, x के साथ जो वैल्यू होती है उसको b बोला जाता है, और जो अकेला होता है जो x और एक्स स्क्वायर के साथ ना हो उसको c बोला जाता है। तो इस सवाल में हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 1 है, b की वैल्यू जो है वो 0 है, और c की वैल्यू जो है वो -15 है। क्योंकि आप देखेंगे तो इसके साथ वाली वैल्यू को a बोलेंगे, b वाला पार्ट इसमें है ही नहीं इसलिए 0 है, और c वाला पार्ट को -15 है। तो आइए इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं कि ये बराबर सही है या गलत। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब रूट 15, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा ये है बीटा, मैंने रख दिया। माइनस बी बाय ए, 0 बाय ए 1, ठीक है, b का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 1 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा आंसर, प्रूव्ड। क्योंकि इतना और इतना दोनों एक प्लस में एक माइनस में है, दोनों को जोड़ेंगे रिजल्ट 0 आ जाएगा, प्रूव हुआ। अल्फा इंटू बीटा मतलब √15 × √15, c बाय ए, c की वैल्यू है -15, a की वैल्यू है 1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रूट रूट के साथ कैंसिल होगा, 15 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी, मतलब √15 और √15 मल्टीप्लाई होकर रूट कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट आपको देंगे 15। बट एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो रिजल्ट आपका जो आएगा वो माइनस में आएगा। अब देखेंगे तो दोनों पार्ट आपका जो है वो इक्वल आया है। तो इस तरह का थोड़ा सा अलग सवाल था द्विघात समीकरण को लेके, क्योंकि द्विघात समीकरण का जनरली हम लोग पैटर्न देखते हैं कि ऐसा होता है, यहाँ पे पैटर्न बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो उसको भी हम सॉल्व किए, दो पॉइंट्स हमने निकाला इसमें से, एक अल्फा एक बीटा, दो शून्यक निकाले। शून्यक निकालने के बाद हमने उसका क्रॉस चेक किया, सत्यता जांची संबंधों का, कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग जो है उसके अंकों के डिवीजन के बराबर है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हमने जांची हैं और ये बिल्कुल सही साबित हुआ है। इसके अलावा कुछ हो सकता है कि इसमें कुछ छूट गया हो, कुछ मिस हुआ हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि हमें क्या और बताना चाहिए आपको, ताकि ये सवाल और इजीली आपको समझ में आ जाए। तो हम कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में उन चीज़ों को बताएं। आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए यूज़र हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिलें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वहां पे बेल आइकन होगा, जरूर उस पर क्लिक करें, ताकि जो नोटिफिकेशन है न्यू वीडियोस के आपको जल्दी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैलेंट इंडिया सेल्फ लर्न।